आप सभी देख सकते हैं किस तरह से नक्सलियों द्वारा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आए दिन कोई ना कोई विवाद देखने को मिलता ही रहता है। कोरोना के कारण यह विश्वविद्यालय बंद था, लेकिन अब जब दोबारा से विश्वविद्यालय खुला है तो एक बार फिर से झड़प देखने को मिल रही है। झड़प की वजह मांसाहारी खाने और राम नवमी के अवसर पर पूजा करने को लेकर है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। कल राम नवमी की रात में कावेरी छात्रावास में दो गुटों के बीच मांसाहारी खाने को लेकर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस पर आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के समर्थकों का कहना है कि उन्हें मांसाहारी खाना खाने से रोका गया। तो वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी पार्टी के समर्थकों का कहना था कि आईसा पार्टी के समर्थक हमारी पूजा में बाधा डाल रहे थे। उसके बाद आईसा पार्टी की तरफ से इसे लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखा जाए तो जेएनयू में लगभग सभी हॉस्टल में बुधवार और रविवार को मेन्यू में नॉनवेज को शामिल किया गया है, लेकिन सिर्फ कावेरी हॉस्टल में कम्युनिस्टों ने जान पूछ कर नॉनवेज का मुद्दा बनाया ताकि श्री राम जन्मोत्सव को रोका जा सके। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की हिंसा इस विश्वविद्यालय के अंदर देखने को मिल रही है। इस हिंसक झड़प में कम से कम दर्जन भर छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों गुटों ने दावा किया है कि दोनों पक्षों के 60 से अधिक छात्र घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव करने और अपने अपने सदस्य के घायल होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद इस हंगामे को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने बताया है कि हमें आज सुबह आयसा के सदस्य छात्रों के एक समूह से एबीवीपी के अज्ञात छात्रों के खिलाफ शिकायत मिली है। इसके बाद हमने आईबीसी की धारा 323, 341, 509, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले पर सबूत इकट्ठा करने और दोषियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि जेएनयू विश्वविद्यालय में हिंसा का यह पहला या दूसरा मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले देखे जाते रहे हैं। यह भी समझने वाली बात है कि जहां एक तरफ विश्वविद्यालय के छात्र राम नवमी भगवान राम की पूजा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वहीं के छात्र मांसाहारी भोजन खाने की बात कर रहे हैं। इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए जाने की जरूरत थी, लेकिन दोनों ही पक्षों के द्वारा हिंसा को चुना गया और हमारे समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे मीडिया दरबार। धन्यवाद।